गाइस बैक टू द माय अनदर वीडियो। मैं और शाहरुख कर आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल AK फिटनेस पॉइंट वैभव। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि बाइसेप ट्राइसेप को किस तरीके से ट्रेन करना है, किस तरीके से पकड़ना है, देन किस तरीके से मसल को रिलीज करना है, किस तरीके से मसल को खींचना है। तो उसी हिसाब से आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि सही ढंग क्या है, सही रेपिटेशन क्या है, कितने सेट मारने, कितने रेपिटेशन मारने, देन उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले केबल एक्सटेंशन, इसके हम मारेंगे 15 के चार सेट। सबसे पहले 15 लगाना है, 15 के चार सेट नहीं लगाना है, सुपर सेट लगाना है, टू सुपर सेट लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है सर दिखाएंगे। बैक को ब्रेक पकड़ना है, देन रोप को पकड़ना है, देन अपने चेस्ट को आगे लेना है, देन अपने बाइसेप्स को बैक पे इस तरीके से टच करना है, क्लोज ग्रिप से पकड़ना है, देन नीचे रिलीज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो सर ऐसे मारते रहिए। हाथ को अपने अंदर पकड़ना है, हाथ को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है, इस तरीके से नहीं मारना है, बॉडी को शेक नहीं करना है, खींचना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, चेस्ट को ऊपर लेना है, देन अपने बाइसेप्स को इधर पे टच करना है जिस तरीके से सर ने टच किया हुआ है, देन आगे लेके नीचे स्लोली नीचे लेके जाना है स्पीड में, स्पीड से देन ऊपर स्लो आना है, नीचे स्पीड लेके जाना है, देन ऊपर स्लो आना है, नीचे स्पीड लेके जाना है, देन ऊपर स्लो आना है। तो हमने ट्राइसेप के लिए ये लगाया लेग एक्सटेंशन, केबल एक्सटेंशन। तो इसके हमने लगाए 15 रेपिटेशन, देन उसके बाद हम ताबड़तोड़ लगाएंगे बाइसेप्स के लिए केबल बार लगाएंगे। इसके भी हम लगाएंगे 15 रेपिटेशन। इसी को भी हाथ को अंदर लेना है, इस तरीके से आपका बाइसेप्स आपके बैक को टच रहेगा, देन इसको अपने हथेली को ऊपर की ओर ट्विस्ट करना है, देन अप और थोड़ा आगे, यस पूरा नीचे नहीं छोड़ना है, फास्ट। ट्राइसेप्स के लिए रोप नीचे स्पीड में जाएगा, ऊपर स्लो आएगा, बाइसेप्स के लिए नीचे से ऊपर स्पीड में आएगा, नीचे स्लो जाएगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, बॉडी को शेक नहीं करना है, जितना हो सके उतना बैक को कॉन्ट्रैक्ट करके देन इस तरीके से मारना है। Yes. तो यहां पर भी हम लगा रहे हैं 15 रेपिटेशन, देन उसके बाद में फिर से हम लगाएंगे क्रॉस केबल के 15। हाथ को अंदर टच करना है, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन उसी तरीके से बाइसेप्स को भी लगाना है, इसके भी हम लगाएंगे 15। देन इसको भी ये हाथ को ऊपर नीचे नहीं करना है, ऊपर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके भी हम लगाएंगे 15 रेपिटेशन। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 सेट। देन उसके बाद में देंगे 1 to 2 मिनट का रेस्ट, उसके बाद में चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। देन सेकेंड राउंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मारेंगे डंबल ओवरहेड। तो इसके लिए हम उठाएंगे 20 किलो का डंबल, सर उठाइए डंबल। ट्राइसेप लगाना है पहले, उधर घूमिए सर, उधर घूमिए पूरा। देखिए अपने बाइसेप्स को ना अंदर लेना है, इस तरीके से बाहर नहीं निकालना है, अंदर लेना है, देन नीचे देन ऊपर स्लोली। 1, 2। हाथ को बिल्कुल भी बाहर ना निकाले, जितना हाथ अंदर रहेगा उतने आपके ट्राइसेप मसल पे प्रेशर ज्यादा गिरेगा, यहां पे टेंशन देना है। देन ब्रीथ इन आउट करना है, नीचे इन ऊपर आउट, हाथ को बिल्कुल भी ना हलाए, देन इस तरीके से सही से मार रहे हैं सर। इसके हम लगाएंगे 15 रेपिटेशन, देन उसके बाद में लगाएंगे हम दोनों डंबल। इसके भी हम लगाएंगे
15 रिपीटेशन इसको लगाते वक्त भी अपने बाइसेप्स अपने बैक को टच रहेगा, देन अपने हाथ ऊपर की ओर ट्विस्ट रहेंगे इस तरीके से, देन स्लोली ऊपर लेना है, स्लोली नीचे छोड़ना है, बाइसेप ऊपर स्पीड आएगा देन स्लो नीचे आएगा। हाथ को बेंड करना है जरूरी इधर पे ऊपर की ओर इस तरीके से, इसको नीचे ऊपर नहीं करना है, हर बार एक ही बार में लॉक कर देना है इस तरीके से। कॉन्ट्रैक्ट जरूर करें, अपने बाइसेप्स को बैक पे टच जरूर करें इस तरीके से, पोजीशन ये रहेगी, चेस्ट को बाहर निकालना है, बॉडी को शेक नहीं करना है, ऐसे नहीं मारना है, प्रेशर बैक पे गिरेगा, बाइसेप्स पे प्रेशर नहीं गिरेगा, हिल हिल के मारोगे तो प्रेशर बैक पे जाएगा, बाइसेप का मसल बड़ा नहीं होगा, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करें। इसके भी हम लगाएंगे ट्राइसेप के 15 ओवर डंबल हेड, देन डबल डंबल बाइसेप्स के 15 15 15 15 15 15 15, इसके भी हम लगाएंगे 4 सेट, देन चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो हम लगा रहे हैं थर्ड राउंड, जो सबसे पहले हम लगाएंगे पेचर कर को। तो पेचर कर को किस तरीके से लगाना है ध्यान से देखिए, हाथ को पूरा आगे नहीं लेना है इस तरीके से, पीछे की ओर लेना है थोड़ा और नीचे, बस अपने चेस्ट को इस पे टच करना है, सीट पे टच करना है, देन ऊपर उड़ाना है, नीचे छोड़ना है, ऊपर लेना है, ऊपर पूरा आएगा नीचे आधा ही जाएगा, बस पूरा ऊपर लेना है, स्पीडली पूरा ऊपर लेना है, स्पीडली पूरा ऊपर लेना है, देन आधा ही नीचे छोड़ना है, पूरा नहीं छोड़ना है, ना चेयर पे पूरा आगे आना है ना चेयर से पूरा पीछे जाना है, अपने बाइसेप्स को ट्राइसेप्स को इस तरीके से बाहर निकालना है, ये वाला हिस्सा हाथ में लगेगा, ये वाला जो हिस्सा रहेगा अपना वो छोड़ो हाथ पर, ये वाला जो हिस्सा रहेगा इस तरीके से लगेगा इस तरीके से, देन ये वाला हिस्सा भी इस तरीके से लगेगा, देन उसके बाद में मसल को कॉन्टैक्ट करना है, देन ब्रीथ इन आउट इस तरीके से। जिसके जिम में यहाँ पे मशीन नहीं है तो पेचर कर पे आप डायरेक्टली डंबल लगा सकते हो, इस तरीके से आप डंबल भी मार सकते हो। तो इसके भी हम लगाएंगे 15 रिपीटेशन, देन उसके बाद हम लगाएंगे फ्लैट बेंच पे डंबल ट्राइसेप्स के लिए, फ्लैट बेंच पे सोना है, चेस्ट को टाइटली कॉन्ट्रैक्ट करना है, बैक में गैप छोड़ना है, देन अपने कोनी को इधर पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, हिलाना नहीं बिल्कुल भी, देन डंबल को कान तक लेके आना है स्लोली, देन ऊपर पुश करना है, हाथ को चौड़ा नहीं करना है, हाथ को अंदर ही रखना है इस तरीके से, देन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो हम इसके भी लगाएंगे 15 रिपीटेशन, पेचर करके 15 रिपीटेशन, फ्लैट डंबल के ट्राइसेप के लिए 15 रिपीटेशन, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे लगाएंगे हम 4 सेट, देन उसके बाद में हम लगाएंगे लास्ट राउंड, बताता हूं क्या लगाना है, लगाएंगे फोर्थ राउंड कॉन्सेंट्रेट और डायमंड डिप्स। तो कॉन्सेंट्रेट को किस तरीके से लगाना है देखिए, सही से अपने जो पैर की जो कोनी रहेगी, सॉरी पैर का जो नेक रहेगा, अपनी कोनी को यहाँ पे टच करना है, इसको लेना है एल एंगल में, देन अपना ये जो बाइसेप्स का जो मुट्ठी, इसकी जो अपने हाथ की जो मुट्ठी है उस मुट्ठी को ऊपर की ओर ट्विस्ट करना है इस तरीके से, देन बाइसेप्स को लेना है ऊपर देन नीचे, पूरा नीचे बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, ऊपर ही लेके आना है आधा, यस यस इस तरीके से, यस यस Yes. पूरा नीचे नहीं लेके जाना है, एल एंगल में लेना है इस तरीके से मारना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है ऊपर, देन तो इसके भी हम लगाएंगे 15 रिपीटेशन दोनों हाथ पे, हाथ को पूरा नीचे लेके नहीं जाना है, मसल पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए सही से, जिस तरीके से मसल पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरीके से मसल आपका ग्रोथ होगा, अगर मसल पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मसल ग्रोथ नहीं होगा, देन
लास्ट सेट हम लगाएंगे डायमंड डिप्स। सर में आज एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि सर का बाइसेप और ट्राइसेप फेवरेट है, इसके लिए सर आज दबा के मार रहे हैं। तो लास्ट वन हम लगाएंगे डायमंड डिप्स। हाथों को जोड़ना है, देन अपने छाती को इन हाथों के ऊपर लेके आना है, अप वन टू, गर्दन को ऊपर लेना है, थ्री फोर, ट्राइसेप को कॉन्टैक्ट करना है और पूरा प्रेशर ट्राइसेप पे डालना है, चेस्ट पे नहीं डालना है। करेक्ट, तो इसके भी हम लगाएंगे 15-15 के, चार रेपिटेशन, कॉन्सेंट्रेट, डायमंड डिप्स, वन टू वन टू वन टू, फोर सेट, चार राउंड है, चारों राउंड को दो दो से दो 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 हिस्सों में कन्वर्ट किया है मैंने, एक बाइसेप एक ट्राइसेप, एक बाइसेप एक ट्राइसेप, तो एक बाइसेप का लगाना है, एक ट्राइसेप का लगाना है, एक बाइसेप का लगाना है, एक ट्राइसेप का लगाना है, इसी तरीके से पूरे वर्कआउट को कंप्लीट करना है। देन वर्कआउट के बाद कार्डियो तो बनता है बॉस, कार्डियो तो करना ही पड़ेगा, तो आप उसके लिए ट्रेडमिल पे भागे या फिर सपाटे मारे या फिर एक मिनट रनिंग, एक मिनट वॉकिंग करे, एक मिनट भागे, एक मिनट रनिंग करे, एक मिनट भागे, तो इस तरीके से भी आप कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो जरूर करना है वर्कआउट के बाद में, 30 मिनट 40 मिनट, जितनी आपकी एनर्जी है उतनी। तो यहाँ पे हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वर्कआउट होता है कंप्लीट। डाइट बनाया है बट अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो कल या परसों अपलोड कर दूंगा, देखेंगे क्या होता है। तो आज भी सर ने खाली पेट पे वर्कआउट नहीं किया था, आज भी सर ने लोड किया था, तो खाली पेट पे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ का मतलब सोर्स ऑफ सप्लीमेंट लेना है, कार्बोहाइड्रेट, अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे कि हो गया ओट्स, जैसे कि हो गया अपना स्वीट पोटैटो, जैसे कि हो गया मूसली दूध के साथ, देन जिसके और हम ये भी ऐड कर सकते हैं ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। तो वर्कआउट से 30-40 मिनट पहले प्री वर्कआउट जरूर ऐड करें, उसके बाद में वर्कआउट लगाएं। और बाइसेप्स और ट्राइसेप हमारे बॉडी का बहुत छोटा मसल है, उसको टारगेट करके सही ढंग से मारोगे तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, डेली मारोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपका मसल का साइज नहीं बढ़ेगा। तो उसको बार बार ट्रेन ना करें, हफ्ते में एक बार या दो बार आप उसको ट्रेन कर सकती हो। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो हमारी कल बनेगी, कल क्या फिर वर्कआउट लेग्स है क्या, तो कल का वर्कआउट हमारा रहेगा लेग्स का, तो कल हम बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड डे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।